नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश जोशी आज आप लोगों के बीच में नींबू के टोटकों के बारे में बताऊंगा कि जो हम नींबू यूज करते हैं वो एक चमत्कारी टोटके के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किन किन सावधानियों का इस्तेमाल करना है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि नींबू के टोटकों के बारे में। नींबू एक ऐसा फल है जो कि हर जादू टोनी या नज़र के टोटके का काट करता है। अगर आपके घर में किसी बच्चे को नज़र लगे तो आप उसके नींबू को 7 बार उसके सर से उतारें और उस नींबू को काटने के बाद उसे एक ऐसे तिराहे पर डाल के आएँ और डालने के बाद उस उधर पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको, और किसी भी तरह की नज़र हो तो वो उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और उसका असर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपका व्यापार है, बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है, तो आप अपने काम, अपने धंधे, जहां आप करते हैं, उसकी चार दीवारी पर उस नींबू का 7 बार उतारने के बाद उस नींबू के 4 टुकड़े कर लें। काटने के बाद उसमें लाल स्याही से 307 लिखें और उसको चौराहे पर डाल के आएँ, जिससे कि चौराहे पर डालते समय आपको ध्यान रखना है कि वो एक ऐसी जगह पर हो जहाँ आप पीछे मुड़कर ना देखें। और उसके बाद आते हैं तो आप अपने बिजनेस के अंदर एक बदलाव देखेंगे और आपको किसी भी तरह की नज़र, आपका बिजनेस पहले से बेहतर चलने लगेगा। कोशिश करें कि इस काम को शनिवार वाले दिन करें। बहुत से लोग शनिवार वाले दिन इसको करते हैं, और आप लोग अपने जीवन में भी कोशिश करें कि सड़क में जब आप चल रहे हों पैदल तो नींबू दिख जाए तो आपके पैर में वो नहीं पड़ना चाहिए, उससे बच के आपको चलना चाहिए क्योंकि उसमें अक्सर टोने टोटके होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।